हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल चार्ट एंड ट्रेड में। जिन्होंने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तुरंत सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि कोई भी ट्रेडिंग आइडियाज़ के वीडियो सबसे मिस ना हो। चलिए दोस्तों, आज हम लोग गोल्ड के ट्रेडिंग सेटअप के बारे में बात करेंगे। लास्ट कपल ऑफ ट्रेडिंग सेशंस में हमने गोल्ड में फेड के अर्ली इंटरेस्ट रेट हाइक के न्यूज़ के बाद एक अच्छा सेल ऑफ देखा। टेक्निकली गोल्ड ने सारे टेक्निकल पैरामीटर्स में सेल ट्रिगर किया है, जैसा कि आप देख सकते हो उस चार्ट में कि गोल्ड में एक अच्छा इनगल्फिंग बियर कैंडल बना और एक फॉलो अप सेल भी गया। नाउ गोइंग फॉरवर्ड, गोल्ड ये 46,400 का जो सपोर्ट एक जोन है, जो कि यहाँ से भी जब गिरा था तो गोल्ड ने यहीं से सपोर्ट लिया था। प्रीवियसली भी इस एरिया में इसका एक सपोर्ट जोन था, तो टेक्निकली 46,400 गोल्ड के लिए भी एक छोटा सा सपोर्ट जोन है। अगर गोल्ड इस सपोर्ट जोन के नीचे ट्रेड करना शुरू कर देता है, जो कि टेक्निकली चार्ट से बहुत ही ख़राब लग रहा है, क्योंकि अगर हम लोग वीकली चार्ट देखें तो आप ऐसे देख सकते हो वीकली चार्ट में स्ट्रेट वे बहुत ही ख़राब कैंडल है ये, एंड गोल्ड इज श्योर शॉट टू डाइव मोड। तो बात करते हैं हम लोग कि अभी हम लोग गोल्ड में क्या रणनीति रखें। 46,400 के नीचे शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स गोल्ड में सेल पोजीशन बना सकते हैं, उनका एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगाएं 47,000 से 47,100 का, और नीचे में टारगेट उनके लिए होगा 45,000 तक, या उससे भी नीचे देख सकते हैं 44,000 तक, जो कि प्रीवियस लोज है। गोल्ड वहाँ तक भी आ सकता है, और जो लोग गोल्ड इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं शादी के पर्पस के लिए या लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए होल्ड करना चाहते हैं, वो थोड़ा सा वेट करें। अगर देखें कि 46,400 टूट गया है तो वो 45,000 और 44,000 के बीच में लें, और नहीं तो गोल्ड अगर थोड़ा सा ऊपर ऊपर बढ़ने लगता है 47,000 के ऊपर तो वो ले सकते हैं। ओके फ्रेंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड फॉलो अस ऑन सोशल मीडियाज फॉर डेली अपडेट्स। थैंक यू वेरी मच।